हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो कार है वैगनार की सीरीज है और इसकी जो देख सकते हैं गियर लीवर की नोक है वो टूटा हुआ है, तो हम बताएंगे चेंज कैसे करना है। देख सकते हैं इस तरह से हमारा गियर लीवर नोक होता है और देख सकते हैं इसी टूट जाता है, तो हमें निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है और हम बताएंगे आसान तरीका। देख सकते हैं इस तरह से पूरा हमें निकालना है और प्रेस करके खींचना है। अगर आपके पास ताकत है तो ठीक है, प्रेस करके निकल जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना है, आसान तरीका इसको घुमा लेना है। जब भी इसको घुमाएंगे थोड़ा तो इसका लॉक टूट जाता है, देख सकते हैं जो प्लास्टिक की लॉक है ये टूट जाता है, इसके बाद निकल जाता है। तो हमें इसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर से दो लॉक कटा लेना है, जो वाइट कलर दिख रही है प्लास्टिक की, इसको निकाल लेंगे, फिर ये निकल जाता है। इसके बाद नए वाले में जो ऑलरेडी लॉक रहता है खाली हमें प्रेस करना होता है। तो देख सकते हैं अभी हम लॉक निकाल रहे हैं, इसको कटा के निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर से, देख रहे हैं जैसे कि ये लॉक टूटा हुआ है और इसको हमें पूरा अच्छे से निकाल लेना है जो कि घूम रहा है फ्री। और देख रहे वैगनर में घुमा के निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें लॉक आता है और बाकी गाड़ियों में किसी किसी में लॉक नहीं आता है, और किसी किसी में ट्रेडिंग वाला रहता है जो घुमा के खुलता है और घुमा के टाइट होता है, नॉक लग जाता है। तो इसमें कैसा प्रेसिंग है और इस तरह से हम निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, जैसे देख रहे निकालने में थोड़ा तकलीफ़ है, जल्दी निकलता नहीं है। और ये राख कटा के निकाल लिया, देख सकते हैं इस तरह से रहता लॉक इसका। तो अभी हमें नया वाला खाली प्रेस करना है और इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि हमने नया नोक लाया हुआ है और देख सकते हैं ये नया नोक, ये हमें देखना है सीधा करके लगा देना है, जैसे 1 2 3 4 5 रिवर्स, तो हमें इस तरह से देख के सही से लगा देना है। तो खाली प्रेस करना है, वो बैठ जाता है ऑलरेडी अच्छे से, एक बार बैठ गया फिर निकलता नहीं है, निकलेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने बैठा दिया और बैठ गया,